बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में संदिग्ध जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़ी। अब तक 14 लोगों की हुई मौत। पूर्वी चंपारण के जिला प्रशासन द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक जिला प्रशासन को शनिवार को सूचना मिली थी कि तुरकौलिया, हरसिद्धि, सुगौली और पहाड़पुर में कुछ लोगों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को ये भी बताया कि इन लोगों की मौत कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से हुई है। साथ ही लोगों ने की आँख की रोशनी जाने की मिली शिकायत। बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस हिरासत में हत्या के मामले पर गिरमाई सूबे की सियासत। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उसके भाई की शूटर द्वारा हत्या खुलेआम कर दी जाती है और हत्यारा जय श्री राम का नारा लगाता है। सत्ता संरक्षण की बू आती है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अशित नाथ तिवारी ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 40-50 के आसपास पुलिस अधिकारियों के बीच में सरेआम गोली मारकर अपराधी की हत्या कर दी जाती है, वो भी ऐसे मौके पर जब वो कई राज बताने वाला होता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस की कस्टडी में अतीक अहमद और उनके भाई दोनों की हत्या शूटर द्वारा खुलेआम कर दी जाती है और हत्यारा जय श्री राम का नारा लगाता है। प्रथम दृष्टया में सत्ता संरक्षण की बू आती है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, इसकी पुष्टि होती है। अतीक हत्याकांड को लेकर विपक्ष के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने किया पलटवार, कहा उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है उसकी जांच की जाएगी। योगी आदित्यनाथ दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। वहां कोई दहशत नहीं है, जो भी दोषी है उन पर कानूनी कार्रवाई होगा, उसकी घटना की जाँच हो रही है और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल जांच के दिए आदेश। प्रयागराज की सीमाओं को किया गया सील। वहीं प्रयागराज, नोएडा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू। अतीक और अशरफ के हत्यारे पूरी प्लानिंग के साथ काल्विन अस्पताल लाए गए थे। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर के मुताबिक तीनों शूटर खुद को मीडियाकर्मी बताकर सर्कल में घुसे थे। शूटर्स के नाम लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी हैं और तीनों शूटर यूपी के ही रहने वाले हैं। इंडियन आइडल 13 के उपविजेता शिवम सिंह पहुंचे अपने गृह जिला सारण, जहां पर लोगों ने किया उनका भव्य स्वागत। अपनी सुरीली गीतों से शिवम सिंह ने लोगों को खूब झुमाया। कहा, सारण आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो भोजपुरी गाने में कुछ नया करना चाहते हैं, जिसके लिए आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। HEC में एक बार फिर ठेका श्रमिकों ने काम छोड़कर मुख्यालय का घेराव शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले रांची के सांसद संजय सेठ और मैनेजमेंट के साथ बैठक में कंपनी के परमानेंट स्टाफ को 2 महीने का वेतन तो मिल गया, लेकिन ठेका श्रमिक कैजुअल स्टाफ जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं उन्हें वेतन नहीं मिल पाया, जिससे नाराज होकर ये कर्मी बीते 2 दिन से HEC मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कर्मचारियों का सब्र टूट रहा है। उनका कहना है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, घर में राशन नहीं है, अब हम सबके बीच मझधार में फंस गए हैं, जिसके बाद विवश होकर आंदोलन का सहारा लेना पड़ा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में जाकर राज्यपाल से की मुलाकात और 11 अप्रैल के लाठीचार्ज और भाजपा के आंदोलन को कुचलने की साजिश की न्यायिक जांच की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के 11 तारीख के आंदोलन को कुचलने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साजिश रची और इसको लेकर के 10 तारीख से ही इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई और 11 तारीख को सचिवालय घेराव करने जा रहे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 129 नए संक्रमित मरीज मिले। 15 दिनों में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर हुई 412। 9 मरीज अस्पताल में भर्ती। राजधानी पटना में कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा, 24 घंटे में 45,000 हुई कोरोना टेस्टिंग। खजे कला थाना परिसर में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में आगामी ईद के मौके पर शांति समिति की हुई बैठक। इस दौरान थानाध्यक्ष राहुल कुमार ठाकुर ने बताया कि ईद के मद्देनजर प्रशासन सभी संवेदनशील जगहों को चिन्हित कर उस पर विशेष निगरानी करेगी। वहीं कानून तोड़ने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुड़दंगियों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। इस साल भारत में ईद 22 अप्रैल को मनाई जा सकती है। हालांकि चांद दिखने के टाइम में बदलाव के साथ ईद की तारीख में भी बदलाव हो सकता है, यानी कि 23 अप्रैल को भी ईद मनाया जा सकता है। कटिहार में अल करीम विश्वविद्यालय द्वारा दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें अल करीम विश्वविद्यालय के संस्थापक और सांसद अहमद अशफाक करीम, जेडीयू सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी, बीजेपी MLC अशोक अग्रवाल, कांग्रेस MLA शकील अहमद खान समेत 10,000 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। इस मौके पर राज्यसभा सांसद और RGD के कोषाध्यक्ष अहमद अशफाक करीम ने बताया कि इस इफ्तार में मजहब का कोई मामला नहीं होता, हर मजहब के लोगों ने यहां शिरकत की है, बल्कि लोगों को इंतजार रहता है कि अल करीम यूनिवर्सिटी का इफ्तार का आयोजन कब होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन हर जगह होना चाहिए।